السلام عليكم. وعليكم السلام سر. وعليكم السلام سر. يا سر. हाँ जी, लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था सर? रेडियोन्यूक्लाइड्स की फॉर्मेशन पढ़ी थी साइक्लोट्रॉन में और फिशन के थ्रू. अच्छा, अब देखो, जो हमने वहां पे रेडियोन्यूक्लाइड्स की प्रोडक्शन पढ़ी थी वो थी हायर लेवल पे, ठीक है. कि बड़े बड़े आपने जो क्या नाम है रेडियोन्यूक्लाइड्स है उनको ब्रेक करके या फिर क्या नाम है उनके अंदर न्यूट्रॉन की एब्जॉर्प्शन करवा के या दूसरे तीसरे पार्टिकल्स की एब्जॉर्प्शन करवा के उससे आपने थोड़े छोटे साइज के रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस प्रोड्यूस करवाए, ठीक है. अब जब हम होते हैं एक न्यूक्लियर मेडिसिन स्कैन सेंटर में, जैसे कि आपके लाहौर में इनमोल हॉस्पिटल है या फिर आपका शौकत खाना है, वहां पे भी न्यूक्लियर स्कैन होते हैं. इसी तरह मेयो हॉस्पिटल के अंदर एक सेंटर है जिसका नाम है सिनम, ठीक है, वहां पे भी न्यूक्लियर स्कैन होते हैं. अब देखें, हमारे पास इतनी स्पेस नहीं है कि हम जितने साइक्लोट्रॉन जितना बड़ा है उतना बड़ा एक सेटअप लगा सकें, ठीक है, और ना ही क्या नाम है इतनी हमारे पास इकोनॉमी मौजूद है, ठीक है. तो इसलिए हम जो ये छोटे रेडियो न्यूक्लाइड्स प्रोड्यूस करवाते हैं ना, वो हम प्रोड्यूस करवाते हैं जनरेटर के थ्रू, ठीक है. जनरेटर एक छोटा सा यानी कि कैन टाइप होता है, यानी कि आप क्या लें लाइक आप लोगों के घरों में, आप लोगों ने देखो होगा जो पुराने लोग हैं वो थोड़े ना डोल टाइप से होते हैं, उनके अंदर सुबह सुबह वो बुजुर्ग हजरात जाके दूध वगैरह लेके आते हैं. जो लोग कुछ गांव से हैं उन लोगों को पता होगा, ठीक है. हमारा जनरेटर जो होता है ना उस साइज का होता है, ठीक है. जनरेटर के अंदर क्या होता है, मॉलिब्डेनम को पाउडर्ड फॉर्म में रखा गया होता है, ठीक है. और मॉलिब्डेनम पाउडर्ड फॉर्म में होता है, उसके बाद वो अपनी हाफ लाइफ के अकॉर्डिंगली जो कि 67 आवर्स है, ठीक है, वो डिके करता है, ठीक है. डिके से क्या होता है, डिके से प्रोड्यूस होता है टेक्नीशियम, ठीक है. टेक्नीशियम को हम मॉलिब्डेनम से अलग करके, ठीक है, अपने पास एक जो वॉयल होती है इंजेक्शन की, जो आपने मार्केट में देखोगे जो इंजेक्शन अवेलेबल होते हैं वो वॉयल्स के अंदर होते हैं, ठीक है, उस वॉयल में सेव कर लेते हैं, ठीक है. और उसके बाद फिर उसको फार्मास्यूटिकल के साथ मिक्स करके लेबल कर देते हैं. आज हमने उस जनरेटर के बारे में पढ़ना है. समझ आई है कि हमने आज क्या पढ़ना है? Yes, sir. Production of short-lived radionuclides using a generator. Because of the reduction in radiation dose to a patient, short-lived radionuclides are often the agents of choice in nuclear medicine. ठीक है? जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम लोग वो एजेंट्स यूज करते हैं जिससे पेशेंट को रेडिएशन डोज कम मिले और पेशेंट कम टाइम के लिए क्या नाम है रेडिएशन का सोर्स बने दूसरों के लिए भी, ठीक है. इन जनरल हाउएवर द यूज ऑफ शॉर्ट लिव रेडियो न्यूक्लाइड्स एंटेल्स मेनी प्रॉब्लम्स ड्यू टू देयर फास्ट डिके, ठीक है. जैसा कि क्या नाम है जो शॉर्ट लाइफ होंगे जाहिर सी बात है जल्दी डिके कर देंगे तो हमें उनके साथ कुछ प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेंगी. वो प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हो सकती है? शॉर्ट हाफ लाइफ ऑफ रेडियो न्यूक्लाइड लिमिट्स द अवेलेबल टाइम फॉर सच प्रोसेस सच एज प्रोसेसिंग ट्रांसपोर्टेशन स्टोरेज एंड क्वालिटी कंट्रोल. अब ठीक है? यस सर. ये आपका जनरेटर है. जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक ना क्या नाम है बकेट होती है, ठीक है. उस बकेट के अंदर देखो ये एक वॉयल लगी हुई है, ठीक है. ग्लास की एक क्या नाम है कॉलम सा होता है, ठीक है. जैसे कि आप लोगों को याद हो एफएससी के अंदर आप लोगों ने वो क्या कहते हैं वो रिएक्शन नहीं करवाते जिसके अंदर क्या नाम होता है यार उसका, हाँ बोलते थे उसको यार, एनीवन नोज केमिस्ट्री का तो नहीं था क्या चीज सर? केमिस्ट्री का था इस तरह को भी. हाँ, केमिस्ट्री में केमिस्ट्री लैब के अंदर वो जो एक क्या नाम है होती है एक
फनल सी जो होती है जिसके अंदर रिएक्शन वगैरह करवाती चीजें देखें। ये सर याद आ गई है। उस तरह का ना ग्लास कॉलम सा होता है, ठीक है। इस ग्लास कॉलम के ऊपर साइड पे पाउडर्ड फॉर्म के अंदर मॉलिब्डेनम रखा गया होता है, ठीक है। वो मॉलिब्डेनम डिके करता है और साथ साथ टेक्नीशियम प्रोड्यूस करता है। उस टेक्नीशियम को हम सेपरेट करवा लेते हैं, ठीक है, मॉलिब्डेनम से। आगे पढ़ते हैं कैसे सेपरेट होता है, ठीक है। डायग्राम अच्छे से याद करना, एक लेक्चर के ना एंड पे एक डायग्राम आएगी ड्रॉ की हुई, ठीक है। ये तो आपकी एनिमेटेड है ना, एक ड्रॉ की हुई डायग्राम आएगी। वो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो स्पेशली याद रखनी है। फॉर दिस रीजन 18 फ्लोरीन 18 विद हाफ लाइफ ऑफ 100 मिनट्स डू नॉट हैव ए वाइड स्प्रेड यूज एज ए बोन स्कैनिंग एजेंट, ठीक है। इन रीजंस की वजह से, क्योंकि जल्दी डिके हुए स्टोर नहीं कर सकते आप, उसको ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, उसकी प्रोसेसिंग में टाइम लगता है और उतनी जो डिके कर देते हैं, इसलिए जो फ्लोरीन 18 है ना उसको हम बोन स्कैनिंग के लिए यूज नहीं करते, क्योंकि बोन स्कैनिंग का जो प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट 1 to 2 hours चलता है, ठीक है। अब ये 100 मिनट्स यानी कि कितना हो गया, किसने 1.5 घंटे में डिके कर जाना, ठीक है। मतलब 1.5 घंटे के बाद आपके पास जो इसकी क्वांटिटी है ना वो बिल्कुल ना होने के बराबर रह जाएगी, ठीक है, आपको कोई अच्छी इमेजिंग नहीं मिलेगी। सिमिलर लिमिटेशंस अप्लाई टू द वाइडस्प्रेड यूज ऑफ शॉर्ट लिव्ड रेडियोन्यूक्लाइड्स सच एज 11 कार्बन 20 मिनट्स, 13 नाइट्रोजन 10 मिनट्स एंड 15 ऑक्सीजन 2 मिनट्स, ठीक है। ये जो 11 कार्बन है इसका मतलब है कार्बन 11, मतलब कार्बन का आइसोटॉप जिसके 11 एटॉमिक मास है, ठीक है। इसी तरह नाइट्रोजन का 13 कि जिसका 14 के बजाय 13 एटॉमिक मास है, और ऑक्सीजन का 16 के बजाय 15, ठीक है, व्हिच आर क्वाइट अट्रैक्टिव फॉर अदर कंसीडरेशंस, जो कि कुछ दूसरे टेस्ट के अंदर यूज किए जा सकते हैं, लेकिन वही लिमिटेशन अप्लाई होते हैं कि हम इनको ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, स्टोर नहीं कर सकते, इनकी प्रोसेसिंग और क्वालिटी कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अब वो कह रहा है, रेडियोन्यूक्लाइड जनरेटर सॉल्व सम ऑफ द अबव प्रॉब्लम्स एंड अलाउज द यूज ऑफ शॉर्ट लिव्ड रेडियोन्यूक्लाइड्स एट अ लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम द साइट, ठीक है। अब 11 कार्बन जिससे प्रोड्यूस होना है जिस भी रेडियोन्यूक्लाइड से, नाइट्रोजन 13 जिस रेडियोन्यूक्लाइड से प्रोड्यूस होना है, ऑक्सीजन 15 जिससे प्रोड्यूस होना है, या फ्लोरीन 18 जिससे प्रोड्यूस होना है, ठीक है, उसके पेरेंट एलिमेंट को, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि फ्लोरीन 18 जो है, ठीक है, वो बोरॉन से अगर प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, तो जो बोरॉन होगा वो उसका पेरेंट एलिमेंट होगा। इसी तरह मॉलिब्डेनम टेक्नीशियम में पेरेंट एलिमेंट है मॉलिब्डेनम, ठीक है। तो हम मॉलिब्डेनम को स्टोर करके, उसकी हाफ लाइफ है लंबी 67 आवर्स, ठीक है, ऑलमोस्ट यानी कि 3 डेज बनते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि वो 3 डेज में हाफ डिके करेगा, तो हम उसकी अमाउंट रख के, फॉर एग्जांपल अगर हमें एक दिन स्कैनिंग के लिए चाहिए जी 50 मिलीक्यूरीज, ठीक है, तो हम मॉलिब्डेनम की इतनी अमाउंट रखेंगे कि हमें उस दिन जिस दिन वो ट्रांसपोर्ट हो गए, फॉर एग्जांपल अब यहाँ लाहौर में ऐसा कोई सेंटर नहीं है जहाँ पे ना मॉलिब्डेनम के जनरेटर्स रेडी किए जाते हो। इस्लामाबाद में एक इंस्टीट्यूट है, क्या मुझे उसका नाम नहीं याद, वो ना न्यूक्लियर मेडिसिन का कोई इंस्टीट्यूट है, PNRC इस तरह करके कुछ नाम है, पाकिस्तान न्यूक्लियर रिसर्च कमीशन इस तरह करके कुछ है, ठीक है। तो वहां पे आपके जनरेटर्स जो हैं मॉलिब्डेनम टेक्नीशियन के, वो मैन्युफैक्चर किया जाते हैं, ठीक है। तो वहां पे जब वो मैन्युफैक्चर करते हैं तो वो इस चीज को कैलकुलेट करते हैं कि अगर हम मंडे को एक जनरेटर को डिस्पैच कर रहे हैं, ठीक है, और उसने जाके यूज होना है, वो लाहौर पहुंच जाएगा जी ट्यूजडे को, ठीक है, उसने यूज होना है वेंसडे को, ठीक है, तो उसके अंदर कितनी रेडियो एक्टिविटी की अमाउंट होनी चाहिए कि वेडनेसडे को अगर उनको 50 मिलीक्यूरी रिक्वायर्ड है तो उसमें से 50 मिलीक्यूरी उनको मिल जाए, ठीक है। इस बात की समझ आई है? यस सर। यस सर। सारा? यस सर। बात समझ आ गई है? यस सर, थोड़ी बहुत आ गई है, थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग सुन के आ जाएगी। अच्छा। वो कहता है रेडियोन्यूक्लाइड जनरेटर सॉल्व सम ऑफ द अबव प्रॉब्लम्स एंड अलाउज द यूज ऑफ शॉर्ट लिव्ड रेडियोन्यूक्लाइड्स एट लॉन्ग डिस्टेंस ऑन साइट प्रोडक्शन। प्रिंसिपल्स ऑफ अ जनरेटर। अब जनरेटर वो कहता है काम कैसे करता है, ठीक है। रेडियोन्यूक्लाइड जनरेटर इज अ 2-step or 3-step रेडियोएक्टिव सीरीज इन व्हिच अ लॉन्ग लिव्ड रेडियोन्यूक्लाइड कॉल्ड द पेरेंट डिकेज इनटू अ शॉर्ट लिव्ड रेडियोन्यूक्लाइड कॉल्ड द डॉटर, ठीक है। रेडियोन्यूक्लियर जनरेटर क्या होता है, एक सीरीज होती है रिएक्शन की जिसके अंदर एक पेरेंट एलिमेंट जस्ट लाइक मॉलिब्डेनम डिकेज इनटू अ डॉटर एलिमेंट, ठीक है, जस्ट लाइक टेक्नीशियम। अब हमारे पास 4 किस्म के जनरेटर्स होते हैं, ठीक है, एक मॉलिब्डेनम टेक्नीशियम होता है और 3 और होते हैं। वो कह रहा है द फर्स्ट जनरेशन सिस्टम जो कि है मॉलिब्डेनम टेक्नीशियम का इज द मोस्ट कॉमन इन यूज टूडे, ठीक है। द सेकेंड जनरेटर सिस्टम इज यूजफुल फॉर जियोग्राफिकली रिमोट प्लेसेस where frequent deliveries of the radionuclides are a problem. For example, एक थल के एरिया में अगर radionuclear medicine scan का सेंटर बना हुआ है, ठीक है, तो इस्लामाबाद से वहां तक ट्रांसपोर्टेशन करना ईजी नहीं होता, ठीक है, तो सेकेंड जनरेटर सिस्टम है वो उसके लिए यूज होता है।
The third generator is under development and receiving attention because of its special advantages for positron tomography. The fourth generator produces 81 m krypton, which is sometimes used in lung ventilation studies. ये चार जनरेटर सिस्टम उसने बताया गया है. पहला मॉलिब्डेनम टेक्नीशियम, ठीक है, 67 आवर्स में मॉलिब्डेनम डिके करेगा टेक्नीशियम के अंदर, टेक्नीशियम 6 आवर्स में डिके करेगा टेक्नीशियम स्टेबल में, और उससे आगे टेक्नीशियम स्टेबल डिके कर जाएगा आफ्टर ए लॉन्ग टाइम इनटू रुबिडियम, ठीक है. यहां से यहां का सफर बहुत लंबा है, 100 साल लग जाते हैं, ठीक है. इसी तरह जो आपका टेन है वो इंडियम में जाएगा, इंडियम मेटास्टेबल में, और इंडियम मेटास्टेबल जाएगा स्टेबल के अंदर इन 1.6 आवर्स. इसी तरह जर्मेनियम गैलियम में, गैलियम जिंक में, और रुबिडियम क्रिप्टॉन मेटास्टेबल में, और क्रिप्टॉन मेटास्टेबल क्रिप्टॉन के अंदर. ठीक हो गया? यस सर. In a radioactive series, the daughter radionuclide is being continuously produced by the decay of parent radionuclide and being continuously destroyed by its own decay. Maheen, ये बात मुझे समझा दोगे? Yes, sir. ये बात सर मैं एक दफा रीड कर लूँ. सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है. बेटे मैं आप ले रहा हूँ क्लास, आपके ना जो क्लासरूम्स हैं वहाँ पे, तो ये फुल आवाज यही है. सर वो इस तरह लग रहा है जैसे हैंनफी से दूर से बात कर रहे हैं, इस तरह की पता नहीं क्यों है, कल भी ऐसे हो रहा था. मुझे बताओ मैं क्या कर सकता हूँ इसके अंदर, what can I do in it? कल मैंने क्लास ऊपर ली थी, उधर इशू आ रहा था, तो आज मैं आ गया हूँ क्लास के अंदर, ऑफिस में नहीं ली. अगर अभी भी इशू आ रहा है तो मैं फिर क्या कर सकता हूँ? मीन्स आपकी साइड पे कोई इशू है फिर? सर ठीक है, चलो ठीक है सर, आप ऐसे पढ़ा सुन लेते. ये जो लाइन मैंने पढ़ी सर, है बताओ और मुझे बताओ कि जी क्या जी सर. सर जो रेडियोएक्टिव सीरीज है उसमें जो पेरेंट रेडियोन्यूक्लाइड होता है वो डिके होता है और डॉटर रेडियोन्यूक्लाइड बनता है, और जो डॉटर रेडियोन्यूक्लाइड है वो अपनी सेल्फ डिके से जो है वो डिस्ट्रॉय होता है फिर. और ये सब कुछ कब हो रहा है? एट द सेम टाइम, ठीक है, सेम टाइम पे. फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 11 o'clock पे मैंने मॉलिब्डेनम रखा तो उसके अंदर 50,000 रेडियो न्यूक्लियर के एटम्स मौजूद थे, ठीक है. अब उसने 67 आवर्स के अंदर जाके डिके करना है. अब देखो हर एक एटम, ठीक है, जब फॉर एग्जाम्पल मॉलिब्डेनम अगर मैंने 11 बजे रखा उसके अंदर 50,000 एटम्स थे, ठीक है, तो 50,000 एटम्स प्रोड्यूस होने में क्या नाम है पीछे कितना टाइम लगा? अगर मैंने स्टार्ट किया 10:30 बजे के जी, क्या नाम है, मैंने बॉम्बार्डमेंट करवाई यूरेनियम के ऊपर न्यूट्रॉन्स की, ठीक है, और फिशन के थ्रू मैंने मॉलिब्डेनम प्रोड्यूस करवाया. अब मैंने 10:30 स्टार्ट किया तो जो 10:30 बजे प्रोड्यूस हुआ होगा, ठीक है, उस मॉलिब्डेनम की हाफ लाइफ 10:30 से काउंट की जाएगी, ठीक है, और जो मॉलिब्डेनम का एटम 11 बजे प्रोड्यूस हुआ होगा उसकी हाफ लाइफ उस टाइम से काउंट होगी, ठीक है. इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आपके पास 50,000 एटम्स हैं तो हर एक एटम सेम टाइम पे डिके नहीं करेगा. इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर. यस सर. यस सर. क्या होता है कि आपका पेरेंट भी डिके कर रहा होता है, ठीक है. अभी देखो 11 बजे क्या हुआ जी, 11 बजे मेरे पास थे 50,000 एटम मॉलिब्डेनम के, ठीक है. 6 घंटे कब बनेंगे? 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 5 बजे. अब 5 बजे जाके मुझे टेक्नीशियन मिलना शुरू होगा, ठीक है, तो 5 बजे जो मुझे टेक्नीशियन मिलेगा ना, ठीक है, वो 11 बजे के अकॉर्डिंग 11 बजे सबसे पहला आइटम मॉलिब्डेनम का कौन सा डिके हुआ था, ठीक है, जो 10:30 बजे पहला बना था वो 11 बजे जाके डिके होना शुरू होगा, ठीक है. तो इस तरह आपको क्या नाम है साथ साथ आपका मॉलिब्डेनम भी डिके करेगा इनटू डॉटर, और आपका डॉटर भी डिके करेगा, ठीक है, और स्टेबल में कन्वर्ट होगा. ये प्रोसेस सेम टाइम पे चल रहा होता है. फिर एक ऐसा टाइम आता है कि इन दोनों के दरमियान में एक इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाता है. मॉलिब्डेनम के भी 25,000 हो जाएंगे और टेक्नीशियम के भी 25,000 रेडिएटिव एटम्स मौजूद होंगे एट द सेम टाइम. इसको हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम ऑफ द जनरेटर. क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम ऑफ द जनरेटर. ऑफ द जनरेटर. सर पेरेंट और जो डॉटर रेडियोन्यूक्लाइड है दोनों की अमाउंट सेम हो जाएगी, ये बताया आपने. क्या बोला है तहरीम? आपकी आवाज नहीं क्लियर आई मुझे. सर आपने अभी यही बताया ना कि जो पेरेंट रेडियोन्यूक्लाइड है और जो डॉटर रेडियोन्यूक्लाइड है उनकी अमाउंट सेम हो जाएगी जो इक्विलिब्रियम होगा. ओके सर. वो कैसे होगी?
सर मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आई थी, इसलिए मैं जस्ट कंफर्म कर रही थी कि आपने यही बताया है। जी यही बताया बेटे कि जो आपका पेरेंट रेडियोन्यूक्लाइड है ना वो भी डिके कर रहा है, और साथ साथ आपका क्या नाम है जो डॉटर रेडियोन्यूक्लाइड है वो बन भी रहा है और डिके भी हो रहा है। तो एक ऐसा टाइम आता है कि जिस टाइम पे दोनों की अमाउंट्स यानी कि नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स सेम हो जाते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं जनरेटर का इक्विलिब्रियम आ गया। ठीक है, ओके सर। अब वो कहते हैं इफ द हाफ लाइफ ऑफ पेरेंट रेडियोन्यूक्लाइड इज लॉन्गर देन द हाफ लाइफ ऑफ डॉटर, ठीक है, वो कहता है अगर पेरेंट की हाफ लाइफ ज्यादा है डॉटर से, जैसा कि मॉलिब्डेनम टेक्नीशियम में मॉलिब्डेनम की हाफ लाइफ है 67 आवर्स और टेक्नीशियम की है 6 आवर्स। An important phenomena occurs that is the basis of the generators presently used in nuclear medicine. ठीक है, वो एक phenomena के बेस बनते हैं जो कि आजकल generators में use होता है, वही phenomena जो मैंने आपको बताया equilibrium का। Under this condition, that is the parent half life is greater than daughter half life, and in due course an equilibrium is established between the parent and the daughter. ठीक है, in this state of equilibrium the ratio of amounts number of radioactive atoms present of the two radionuclides becomes constant. theek hai, is time pe jab equilibrium establish ho jata hai us time pe kya hota hai ki aapke parent aur daughter ke radioactive atoms ki tadad same ho jati hai aur constant ho jati hai. the two radioactivities also maintain a constant ratio with time. theek hai, ab iske upar kya effect aata hai jab aapki dono ke parent ki bhi aur daughter ke radioactive atoms ki tadad same ho jati hai na, तो उस टाइम पे जो आपका डॉटर है ना वो अपनी हाफ लाइफ को छोड़ के पेरेंट की हाफ लाइफ के अकॉर्डिंगली डिके करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, ये अब इसकी रीजन क्या है, इसकी रीजन कोई नहीं पता। ठीक है, ये नेचुरली होता है, नो वन इज एबल टू फाउंड व्हाट द रीजन बिहाइंड दैट कि उनका इक्विलिब्रियम क्यों एस्टेब्लिश हो जाता है, वो क्यों इस तरह यानी कि जो टेक्नीशियम की ऑल्दो 6 आवर्स हाफ लाइफ है लेकिन वो भी 67 आवर्स की हाफ लाइफ के अकॉर्डिंगली डिके करने लगता है, इसकी रीजन अभी तक किसी को नहीं पता चली। ठीक है, ये नेचुरल है, जैसे रेडियो एक्टिविटी नेचुरल है इसी तरह ये भी इक्विलिब्रियम की मेंटेनेंस भी नेचुरल है। ठीक है सर, इक्विलिब्रियम मेंटेन होने के बाद ऐसा होता है? जी, इक्विलिब्रियम मेंटेन होने के बाद ही ये प्रोसेस होता है कि आपका जो डॉटर रेडियोन्यूक्लाइड है ना वो भी पेरेंट रेडियोन्यूक्लाइड की हाफ लाइफ के अकॉर्डिंगली डिके करता है। ठीक है, लाइक अगर टेक्नीशियम है ना तो वो भी जब इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा ना मॉलिब्डेनम के साथ तो वो भी 67 आवर्स के अंदर ही डिके करेगा। ठीक है, ओके सर। इन इफेक्ट द डॉटर रेडियोएक्टिविटी डिकेज विद द अपेरेंट हाफ लाइफ ऑफ द पेरेंट रेडियोन्यूक्लाइड रादर देन इट्स ऑन। फॉर एग्जांपल इन मॉलिब्डेनम टेक्नीशियम जनरेटर्स द टेक्नीशियम रेडियोएक्टिविटी इन इक्विलिब्रियम विद मॉलिब्डेनम डिकेज विद द हाफ लाइफ ऑफ 67 आवर्स देन द 6 आवर्स। The growth and decay of daughter radioactivity in the generator can be exactly predicted using the decay laws. ठीक है, जो start में मैंने radioactivity के आपके laws बताया थे कि वो क्या नाम है lambda into t half इस तरह करके जो थे, ठीक है, उनके accordingly आपकी radioactivity calculate की जा सकती है। और equilibrium maintain होने की वजह, ठीक है, देखो मैंने आपको पढ़ाया था कि decay constant हर element का different होता है ना? Yes sir. Yes sir. तो molybdenum का decay constant टेक्नीशियम से ज्यादा है इसलिए वो ज्यादा डिके कर रहे होते हैं, टेक्नीशियम कम डिके कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि टेक्नीशियम ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है और मॉलिब्डेनम जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है, तो टाइम आता है इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है दोनों के दरमियान में। ठीक है, यस सर। कुछ कुछ पल्ले पड़ गया सर, ये रिपीट कर दें ये वाला पॉइंट डिके कांस्टेंट वाला। मैंने आपको बताया था कि हर एक का डिके कांस्टेंट अलग होता है। ठीक है जी सर, तो पता है ना? ठीक है, तो मॉलिब्डेनम का डिके कांस्टेंट टेक्नीशियम से ज्यादा है कि मतलब मॉलिब्डेनम ज्यादा डिके कर रहा है टेक्नीशियम कम कर रहा है, इसीलिए एक टाइम ऐसा आता है कि मॉलिब्डेनम कम होके और टेक्नीशियम बढ़ के सेम लेवल पे आ जाते हैं जिसको हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है जी सर, ठीक है। अच्छा जी, once the equilibrium has been achieved between the parent and the daughter radioactivities, it can be disturbed only by chemical separation of the two radionuclides that is called milking. ठीक है, अब हमने इस equilibrium को disturb कैसे करना है कि हमें जाहिर सी बात अगर हम equilibrium पे इसको छोड़ देंगे, ठीक है, तो क्या नाम है हमें और technetium लेने में फिर 67 hours wait करना पड़ेगा। अब हमने उसको disturb कैसे करना है, और वैसे भी हम इसको छोड़ सकते ही नहीं है क्योंकि हमें technetium चाहिए फॉर अवर न्यूक्लियर स्कैन्स। ठीक है, तो क्या प्रोसेस होता है, वो कहता है जी मिल्किंग, केमिकल सेपरेशन। केमिकल सेपरेशन कैसे होती है ये देखो,
ये आपका वो ग्लास कॉलम लगा हुआ है जिसके ऊपर मॉलिब्डेनम है, ठीक है। इसकी एक ओपनिंग ये होती है और एक ओपनिंग ये होती है। एक ओपनिंग के ऊपर हम लगाते हैं सेलाइन फिल्ड वॉयल, ठीक है। ये जो आपके जैसे इंजेक्शन वाली वॉयल होती है ना, इसी तरह एक सेलाइन की फिल्ड वॉयल लगाते हैं, ठीक है। इसके अंदर वैक्यूम क्रिएटेड होता है आपके ग्लास कॉलम के अंदर, वो वैक्यूम की वजह से इस सेलाइन वॉयल के अंदर से वो सेलाइन को खींचता है, ठीक है। सेलाइन पास करता है मॉलिब्डेनम के पाउडर में से, ठीक है। यहाँ पे एक डिस्क लगी होती है, ठीक है, ग्लास डिस्क, उसमें से पास करते हैं। फिर उसके बाद लगा होता है एलुमिना, ठीक है, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन, ठीक है। इस जो क्या नाम है केमिकल की प्रॉपर्टी है कि ये आपके मॉलिब्डेनम को ना नीचे नहीं जाने देता, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर से टेक्नीशियम और सेलाइन पास करते हैं, ठीक है। यानी कि मॉलिब्डेनम से टेक्नीशियम को सेपरेट कर देता है और मॉलिब्डेनम ऊपर ही रह जाता है यहाँ पे, और टेक्नीशियम सेलाइन के साथ जो क्या नाम है कैरी होके इस वॉयल में जाके इकट्ठा हो जाता है। क्या बोला बेटे, किसी ने कुछ पूछा है? माहीन समझ आई है? यस सर आ गई है। वानिया खान, यस सर। पाजी समझ आई है? जी सर। मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दे देता हूँ। देखो फॉर एग्जांपल आपने ना क्या नाम है एक वाटर प्योरिफिकेशन प्लांट लगाया हुआ, ठीक है। वाटर प्योरिफिकेशन प्लांट का काम क्या है कि एक तरफ से गंदा पानी आता है प्लांट में से गुजरता है, दूसरी तरफ साफ वाला निकल जाता है, ठीक है। समझ लो ये वो प्लांट लगा हुआ, ठीक है, जिसमें पड़ा है मॉलिब्डेनम और उसके साथ टेक्नीशियन, ठीक है। ये प्लांट के एक साइड से पानी आया, ठीक है, प्लांट के अंदर लगा हुआ प्यूरिफिकेशन सिस्टम, वो पानी ने मॉलिब्डेनम और टेक्नीशियन को अपने साथ लिया और वो उस प्यूरिफिकेशन सिस्टम में से गुजरा। अब उस प्यूरिफिकेशन सिस्टम को हमने ये समझाया हुआ है, ठीक है, उसके अंदर हमने वो वाला केमिकल रखा हुआ है जो कि आपकी इम्प्योरिटी मतलब क्या मॉलिब्डेनम को जाने नहीं देगा वहां से, ठीक है। सिर्फ सिर्फ क्या प्योर पानी जाएगा, प्योर पानी में क्या होगा सिर्फ टेक्नीशियम, ठीक है। अब वो हमने स्टोर का करना है साफ टैंक के अंदर, वो साफ टैंक कहाँ लगा हुआ है, ये कलेक्शन वायल लगी हुई है। अब समझ आ गया सर, डिस्क का मतलब सिर्फ ये है कि टेक्नीशियम जो वो नीचे रहेगा और मॉलिब्डेनम जो वो कलेक्शन वायल में चला जाएगा। डिस्क का मतलब ये है कि आपका जो पाउडर है ना वो ना नीचे जाए, ठीक है, और उससे आगे जो एल्यूमिना लगा हुआ ना उसका मकसद यह है कि जो मॉलिब्डेनम के थोड़े बहुत पार्टिकल्स आ गए हैं ना आपके क्या नाम है उस क्या नाम है इल्यूट के अंदर, ठीक है, सेलाइन जो के टेक्नीशियम के साथ आ रहा है उसके अंदर जो पार्टिकल्स आ गए वो एल्यूमिनिया अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता, ताकि जो आपका आपको कलेक्टिंग ऑयल में जो मिलेगा ना सोल्यूशन वो प्योरली टेक्नीशियम का होगा इन सेलाइन। ओके सर, अच्छा जी। आफ्टर द केमिकल सेपरेशन द डॉटर रेडियोएक्टिविटी अगेन ग्रोज एंड रीएस्टैब्लिशेस इक्विलिब्रियम इन अबाउट फोर हाफ लाइफ ऑफ द पेरेंट रेडियोएक्टिविटी। अब वो कह रहा है अच्छा आपने इक्विलिब्रियम एक दफा आपने ये इस तरह करके जो ऊपर प्रोसेस मैंने सारा बताया इस प्रोसेस के थ्रू कह रहा है आपने एक दफा तो टेक्नीशियम ले लिया, ठीक है, अब दोबारा इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा कब, चार डॉटर हाफ लाइफ के बाद, मतलब यानी कि जब टेक्नीशियम की प्रोडक्शन को चार हाफ लाइफ गुजर जाएंगे, मतलब एक दिन गुजर जाएगा क्योंकि टेक्नीशियम की हाफ लाइफ क्या है 6 hours, ठीक है, 6 × 4 = 24। वो कह रहा है 24 घंटों के बाद दोबारा से मॉलिब्डेनम और टेक्नीशियम के जो अमाउंट ऑफ रेडियोएक्टिविटी नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स हैं वो सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो दोबारा से इक्विलिब्रियम बन जाएगा आपके पास, दोबारा से क्या नाम है टेक्नीशियम की एक बड़ी अमाउंट आ जाएगी और आप दोबारा से उसको यूज कर सकते हो अपने स्कैन्स के लिए, ठीक है, जब तक मॉलिब्डेनम टोटली डिके करके खत्म नहीं हो जाता, ठीक है। इन अदर वर्ड्स वन हैज अ फ्रेश सप्लाई ऑफ डॉटर रेडियोन्यूक्लाइड अवेलेबल फॉर मिल्किंग ईच फोर डॉटर हाफ लाइफ आफ्टर द प्रीवियस मिल्किंग, ठीक है, समझ आ गई कि हर चार हाफ लाइफ टेक्नीशियम की हर चार हाफ लाइफ के बाद आपके पास एक फ्री सप्लाई आ जाती है डॉटर रेडियोन्यूक्लाइड की और इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है। However, one does not necessarily have to wait for four daughter half-lives before milking, ठीक है? आपको जब भी टेक्नीशियन चाहिए तो आपको ये नहीं करना पड़ेगा कि यार चार half-life का मैं इंतजार करूं, मतलब एक दिन का इंतजार करूं। Four daughter half-life provide maximum obtainable yield. वो कहता है कि four half-life गुजरने के बाद आपको maximum technician की amount मिल जाती है।
बट अगर आपको इमरजेंसी में कोई स्कैन करना है ठीक है तो आप उससे पहले भी कर सकते हो. वो कहता फॉर एग्जाम्पल इफ वन डॉटर हाफ लाइफ के एक डॉटर हाफ लाइफ मतलब 6 घंटे के बाद ठीक है आपको 50% जो आप फॉर एग्जाम्पल आपको अगर एक दिन के बाद 25 मिलीक्यूरीज मिलने थे ठीक है तो कहते हैं 6 घंटों के बाद आपको 12.5 मिलीक्यूरीज इजीली मिल जाते हैं टेक्नीशियम के. तो आपको 4 हाफ लाइफ का वेट करने की जरूरत नहीं है अगर आपको कोई इमरजेंसी में स्कैन करना पड़ गया ठीक है. Yes, sir. Okay, the generator description क्या है? A typical generator is compromised of a glass column filled with suitable exchange material such as alumina. The bottom of the glass column is fitted with a porous glass disc to retain the alumina in the column. The parent radionuclide is in equilibrium with its daughter, is firmly absorbed on the top of alumina. The daughter radionuclide is separated from its parent radionuclide by passing a special liquid eluting solution through the column at suitable flow rate. The daughter is dissolved in the eluting solution where the parent is retained by the column. ये सारी बातें ऊपर मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है? ये उन्होंने एक और डायग्राम बना के दिखाई भी आपको. इधर आपने सेलाइन लगाया, ये ऊपर ग्लास डिस्क है, ये ऊपर मॉलिब्डेनम लगा हुआ है. मॉलिब्डेनम यहाँ से अब्सॉर्ब होकर ऊपर ही रह जाएगा, एलुमिना से पास करेगा आपका इल्यूटिंग सोल्यूशन जिसका टेक्नीशियम होगा. जो थोड़ा बहुत रह गया होगा मॉलिब्डेनम वो भी यहाँ अब्सॉर्ब हो जाएगा और यहाँ से जब ये पास करके वापस ऊपर कलेक्टिंग वॉल में जाएगा तो आपके पास जो सेलाइन होगा वो प्योरली टेक्नीशियम के साथ होगा. ठीक हो गया? Yes, sir. आज के लिए इतना ही काफी है, इतना तुम लोग हजम कर लो तो बहुत है. ठीक है? Okay, sir. Okay, sir. किसी का कोई क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन? जी जी बोलो. सर ये जो आपने अभी एक बात बताई है कि 4 हाफ लाइफ के लिए कि अगर फॉर एग्जांपल अगर हमें इमरजेंसी जरूरत हो तो वो सर बात रिपीट करते हैं दोबारा. बेटे मैंने ये बताया कि वो जो आपके क्या नाम है रिसर्चर्स है ना उन्होंने ये बात पता लगाई है कि जब आप टेक्नीशियन की प्रोडक्शन को 4 हाफ लाइफ गुजर जाते हैं ना ठीक है तो उसके बाद दोबारा से इक्विलिब्रियम आ जाता है. ठीक है उस टाइम पे मैक्सिमम यील्ड मिलती है आपको टेक्नीशियम की. ठीक है यानी कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टेक्नीशियम आपको मिल जाता है. बट वो कहता है कि अगर आपको कोई इमरजेंसी में स्कैन करना पड़ गया तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप बैठे रहो कि यार इसको 4 हाफ लाइफ टेक्नीशियन की गुजरेंगी तो ही मैं इसको निकालूंगा बाहर. ठीक है नहीं तो मैं नहीं निकालूंगा. वो कहता है ऐसा नहीं होता. अगर आपको कोई इमरजेंसी स्कैन करना पड़ गया है तो आप एक डॉटर हाफ लाइफ मतलब 6 घंटे बाद भी फॉर एग्जाम्पल आपने 11 बजे निकाला ठीक है इक्विलिब्रियम 11 बजे मेंटेन हुआ तो आपने 11 बजे क्या नाम है इल्यूट करा लिया ठीक है मिल्किंग कर ली. अब आपको 6 घंटे अगले 2 घंटे में एक और स्कैन आ गया. आपके पास रेडियो एक्टिविटी तो मौजूद है ही नहीं. ठीक है तो आप ये वेट करोगे कि यार 6 घंटे गुजर जाए तो उस 6 घंटे के बाद आप दोबारा से उसको मिल करोगे तो आपको 50% जो यील्ड है वो मिल जाएगी. फॉर एग्जांपल अगर आपको अगले दिन 11 बजे 50 मिलीक्यूरीज मिलने थे ठीक है तो आपको 5 बजे सेम डे पे उसमें से 25 मिलीक्यूरीज दोबारा मिल जाएंगे. ठीक है ये बात उसने बताई है कि अगर आपको इमरजेंसी स्कैन करना पड़ जाए तो आप 6 घंटे बाद भी दोबारा रेडियो एक्टिविटी को निकाल सकते हो और आपको अच्छी अमाउंट मिल जाएगी रेडियो एक्टिविटी की. समझ आ गई है? जी सर. किसी और बच्चे का सवाल? सर लास्ट लेक्चर में आपने एक पॉइंट बताया था न्यूक्लियर रिएक्शन की प्रोबेबिलिटी जिसको क्रॉस सेक्शन से डिनोट करते हैं. सर वो पॉइंट एक दफा रिपीट कर दें. बाकी वो मेल करना मुझे. ओके सर. ठीक है और किसी का सवाल अभी के लेक्चर का? ठीक है बच्चों फिर ओके अल्लाह हाफिज़ सर. अल्लाह हाफिज़ सर.